नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुला पॉइंट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25 इंग्लिश क्लास 7 के लिए। बच्चे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम। उनको पढ़ना है आपको। हैप्पी, ग्लेड, हैप्पी ये खुश होना, ग्लेड होना। फैट, ओबेस यानी मोटा। Fear, scared, डर जाना। Sad, gloomy, gloomy days, sad days, उदास दिन। देखो sad है ना बच्चा, और ये देखो डर रहा है, ये खुश है और ये fat है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये synonyms नजर आ रहे हैं, सेम वर्ड, एक वर्ड का दूसरा मीनिंग दिख रहा। इन द फॉलोइंग बी में हम पढ़ेंगे, सेट ऑफ वर्ड पिक आउट टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होनी चाहिए। जैसे angry है, एंग्री का क्या हो सकता है, सेम मीनिंग, ठीक है। वो ढूंढना है, डिलाइट है, स्मूथ है, जॉय है, क्लेवर, बोल्ड, डल, ठीक है। तो कह रहा है पिक आउट इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, पिक आउट टू विच हैव सेम, बिल्कुल सेम है वो। तो पहला हमें दे रखा है एंग्री, डिलाइट, स्मूथ, जॉय। तो एंग्री होता है गुस्सा होना, डिलाइट होता है खुश होना, स्मूथ स्मूथ काम चल रहा है, इजिली काम चल रहा है, या जॉय। तो हमें ये दिख रहा है कि ये दो वर्ड जो है सेम दिख रहे हैं, खुश होना, खुश होना। बी पार्ट में ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड या डल। ब्रेव होता है बहादुर, क्लेवर चालाक होता है, बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब वो भी बहादुर टाइप का ही होता है, या डल काम हो रहा है। तो ब्रेव और बोल्ड एक जैसे लग रहे हैं। रिफ्यूज करना, मना करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, डील करना, डील तो डील हो गई, नहीं एक्सेप्ट ही हो गई टाइप की हो गई, या डिनाई करना। तो रिफ्यूज और डिनाई एक जैसे वर्ड, एक प्रॉपर सर्कल लगा रहे हैं, ऐसी है, ठीक है। होप, टग, पुल या नैप। देखो टग ऑफ वार क्या होता है, टग करना, टग ऑफ वार होता है रस्सा किसी खींचते हैं, पुल में भी खींचना होता है, नैप तो नैपिंग करना और होपिंग होता है ना। तो यहाँ पे टग और पुल सेम लग रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली नियरली सेम होता है उसको दूसरे वर्ड का, तो उसे बोलते हैं सिनोनिम्स, सेम वर्ड सिनोनिम्स वर्ड, ठीक है। तो वर्ड के एक से ज्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स। गुड का वेल होता है, आई एम गुड, आई एम वेल। कलेक्ट, गैदर, कलेक्ट कर लो, गैदर कर लो, इकट्ठा कर लो। फास्ट, तेज, क्विक, तेज काम करो। क्लोज, बंद कर दो, शट, बंद कर लो। एंगर, गुस्सा, रैथ मींस भी गुस्सा होता है। एंजॉयमेंट, एंजॉय करो, फन एंजॉय करो। तो चूज द सिनोनिम, सी पार्ट है, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चार में से ऑप्शन है, ठीक है। अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल है। ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच या फेमस, चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। ब्रिलियंट भी तेजी होता है, ब्रेव बहादुर, रिच अमीर, और फेमस फेमस है जो की। तो ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट का सेम मीनिंग हो गया ब्रिलियंट, ठीक है। माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल सुंदर सी ड्रेस। अगली होता है गंदी, ब्राइट चमकीली, डल फीकी पड़ी, प्रेटी सुंदर होता है। तो इसका आंसर सुंदर ही होगा। हेमा's पेरेंट्स आर रिच, अमीर है उसके पेरेंट्स, पॉपुलर है, वेल्दी है, पॉपुलर तो फेमस होता है, वेल्दी पैसे वाले, नाइस अच्छे, गरीब होता है पुअर। तो रिच का सेम मीनिंग होगा वेल्दी। आई विश आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो, मैं अपनी असाइनमेंट को फिनिश कर लूंगी। फिनिश मतलब खत्म करना, कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप रोक देना होता है, फॉलो किसी का पीछा करना, परफॉर्म कोई चीज आप दिखा रहे हो, तो यहाँ होगा कंप्लीट, क्लियर है। तो ये आंसर होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये ए बी सी डी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको ए करके, बी करके, सी करके या डी करके भी आंसर आप कर सकते हैं। डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बनाना है अब गिवन वर्ड, ठीक है। बिग, बिग का क्या होता है, सेम वर्ड, ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी मीन्स भी खाली होता है, ई एम पी टी वाई। इल बीमार, और सिक मतलब भी बीमार होता है। क्विक तेज करना, और रैपिड मतलब भी तेज होता है, फटाफट करो। फूल मूर्ख होता है, और इडियट, इडियट मीन्स भी मूर्ख होता है। यहाँ बीच में बेटा डी आ रहा है, डी है यहाँ पे, आई डी आई ओ जी। क्लीन साफ, ठीक है। तो टाइडी रूम, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होता है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।